क्या आप भी हर वक्त मास्क को इस्तेमाल करना अपने लिए लाजिम करार तो नहीं दे चुके? रिसर्चिज अब ये कहती हैं कि हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स और ख़ास तौर पे एक्ने की प्रॉब्लम हर वक्त मास्क के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा हो सकती है या ज़्यादा एग्रीवेट हो सकती है। इसकी वजह क्या है? आए इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी भी है। देखें, जब हम हर वक्त मास्क को पहन के रखते हैं या लगा कर रखते हैं तो होता ये है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है और हमारे सांस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मास्क के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगी तो वहाँ पर नमी भी शुरू हो जाती है होना जमा, और जब ये नमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी स्किन के अंदर जो छोटे छोटे सुराख हैं जो कि कुदरती तौर पर मौजूद हैं और जिनका होना बहुत ज़रूरी भी है, वो सारे सुराख बंद होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पूरे दिन की जितनी भी डस्ट है और जितनी भी उसके अंदर जो है वो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो सारे वहाँ पे लॉक हो जाते हैं और वो लॉक होने की वजह से हमें एक्ने की प्रॉब्लम कॉज करते हैं। इसकी जो दूसरी अहम वजह है वो है कि हमारी स्किन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा रगड़ का होना, फ्रिक्शन का कॉज होना, और कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं मास्क की या जिनकी स्किन सेंसिटिव है पॉलीप्रोपाइलीन की। देखें, जब ये मास्क बन रहे होते हैं तो इसके अंदर एक सब्सटेंस यूज़ होता है जिसे हम पॉलीप्रोपाइलीन कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी स्किन पॉलीप्रोपाइलीन से सेंसिटिव है उन्हें ये मास्क जो है वो लगाना बेहतर नहीं है। वो रीयूजेबल मास्क इस्तेमाल करें या ऐसे मास्क जो कि बार बार यूज़ हो सकते हैं। अब ऐसे मास्क बेसिकली 100% कॉटन के होने चाहिए। जब 100% कॉटन वाले मास्क को इस्तेमाल करेंगे तो उनकी स्किन की सेंसिटिविटी कम से कम होगी। फिर हम लोग क्या गलती कर रहे होते हैं? हम लोग बार बार दिन के अंदर अपने मुंह को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव और बड़ा रगड़ कर हम लोग साफ़ कर रहे होते हैं या वॉश कर रहे होते हैं, और उसके लिए जो हम लोग डिटर्जेंट्स या फेस वॉश ही यूज़ करते हैं उसके अंदर अल्कोहल भी होता है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ऐसा करना भी हमारी स्किन के जितने भी अच्छे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमें फ़ायदेमंद हैं और जिनका स्किन के ऊपर होना लाजमी है, वो सारे बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाएंगे। और इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि जब भी हम एक या दो दफ़ा दिन में अपना मुंह वॉश करें तो हम थोड़ा सा पानी के अंदर एप्पल साइडर विनीगर को हम मिला लें अच्छी तरह और उसके साथ अपनी स्किन को वॉश करें, क्योंकि नेचुरली हमारी जो स्किन है उसके ऊपर ज़रा सी तेजाबियत है या वो नेचुरली थोड़ी एसिडिक है। तो इस तरह करना भी हमें एक्ने से प्रिवेंट कर सकता है। या फिर हमारी डाइट के अंदर अगर तो ओमेगा 3 की कमी है, जिंक और विटामिन डी की कमी है, तो इसके साथ हमारी इम्यूनिटी या हमारा जो कुव्वत मुदाफियत है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसलिए अपनी डाइट के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर फिश ऑयल का इस्तेमाल करना जो कि हमें ओमेगा 3 दे रहा होता है उसका इस्तेमाल करना भी एक्ने को प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा एक और अहम बड़ी वजह ये हो सकती है कि अगर हमारी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह नहीं है, अगर तो डाइट के अंदर पूरी तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट या फाइबर्स नहीं है हमारी डाइट के अंदर, तो उसकी वजह से इंसुलिन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। जब इंसुलिन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं जिन्हें हम एंड्रोजिन्स कहते हैं। अब ऐसे हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे और वो हार्मोन हमें जाके एक्ने का प्रॉब्लम कॉज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन सारी बातों का नतीजा ये है कि हम मास्क को इस्तेमाल तो करें लेकिन उस वक्त जब हमारे लिए ज़रूरी है, या जब हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर हजूम है या कुछ लोगों की गैदरिंग है, या हमें जहाँ पर ये स्ट्रिक्ट है कि हमें मास्क को लगाना लाजमी है, लेकिन ऐसी जगह जैसे हम अपने घर के अंदर बैठे हैं और अकेले में बैठे हैं, या हम वॉक करने जा रहे हैं, या हम लेटे हुए हैं, तो ऐसे में मास्क का लगाना बिल्कुल हमें फ़ायदे की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ लेके जा सकता है। तो मास्क का इस्तेमाल करें लेकिन बहुत ज़्यादा वाइसली करें और अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें तो हम एक्ने से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे, एक्ने के बारे में बहुत ज़्यादा आपको जो है वो गाइड करेंगे, क्योंकि ये एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है और आजकल तकरीबन हर कोई इससे परेशान भी है। तो अपने ऊपर गौर करें और मास्क का इस्तेमाल या तो 100% कॉटन का करें जो कि रीयूजेबल है, या फिर अगर ये डिस्पोजेबल मास्क हैं तो इन्हें हम कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करें जो कि इनकी लिमिट है 7 से 8 घंटे, और फिर इन्हें डिस्पोज ऑफ कर दें अच्छे से। तो इस तरह करना हमें एक्ने से बचा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।